रुकते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही, सेक्टर 28 में कैमरा म्यूजियम का सीएम मनोहर लाल ने दौरा किया। और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, 100 साल से ज्यादा पुराने कैमरे का सीएम मनोहर लाल ने निरीक्षण भी किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है, कैमरा म्यूजियम में सैकड़ों की संख्या में पुराने कैमरा रखे हैं जिनका सीएम मनोहर लाल ने निरीक्षण किया। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल की आज प्रगति रैली भी है। दोंगड़ा अमीर गांव में विशेष कार्यक्रम के दौरान कई विकास कार्यों का सीएम उद्घाटन भी करने वाले हैं। और फिलहाल सीएम गुरुग्राम पहुंचे हैं जहां पर कैमरा म्यूजियम में उन्होंने पुराने कैमरों का निरीक्षण किया है और यहां पर सैकड़ों की संख्या में कैमरा भी है। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल। और आपको यह भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल का ये 2 दिवसीय दौरा है। पहले दिन सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया और आज दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल सेक्टर 28 में कैमरा म्यूजियम का दौरा कर रहे हैं। और इसी के साथ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में निर्माण कार्य का भी सीएम मनोहर लाल निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही, सीएम मनोहर लाल का यह 2 दिवसीय दौरा है और पहले दिन सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करके एक सौगात दी थी। और आज दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ताऊ देवीलाल स्टेडियम में निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और सेक्टर 28 में स्थित कैमरा म्यूजियम का भी दौरा कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। और वहां पर रखे हुए जो पुराने कैमरे हैं उनका सीएम मनोहर लाल ने निरीक्षण भी किया है। सेक्टर 28 में कैमरा म्यूजियम का सीएम मनोहर लाल ने दौरा किया। तो इसी मार्फत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सीएम मनोहर लाल कैमरा म्यूजियम का दौरा कर रहे हैं, इस मार्फत उन्होंने पुराने जो कैमरे थे उनका निरीक्षण भी किया, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है? सुनिए बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा था और सबसे पहले मुख्यमंत्री गुरुग्राम के सेक्टर 28 कैमरा म्यूजियम का उन्होंने निरीक्षण किया। और करीबन 4 महीने पहले गुरुग्राम में म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया था और आम जनता के लिए इसके खोल दिया गया था। आज मुख्यमंत्री खुद ही वहां का दौरा किया है। साथ ही साथ हम कैमरे की बात करें, काफी साल पुराने यानी भी ज्यादा पुराने कैमरे इस म्यूजियम में रखे गए हैं और आम जनता के लिए खोल दिया गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे और उसके बाद जायजा लिया। स्टेडियम का पूरा एक ट्रैक बनाया गया था, रनिंग ट्रैक, उसका आज मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। कहीं ना कहीं जो युवा है वो खेल के प्रति अग्रसर हो, साथ साथ उनके लिए एक रनिंग ट्रैक ये गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में बनाया गया है जिससे कि बच्चे अपने खेल को निहार सकें, निखार सकें। जी संजय, सीएम मनोहर लाल का यह 2 दिवसीय दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि कल सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में डायग्नोस्टिक सेंटर का भी उद्घाटन किया और आज भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, तो ये दौरा कितना अहम माना जाए? जी बिल्कुल सोनिया, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा गुरुग्राम का जरूर था और गुरुग्राम के लोगों के लिए काफी अच्छी सौगात भी रही, क्योंकि कल एक डायग्नोस्टिक लैब का इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री ने सर्वे किया था कि जो गरीब लोग हैं उनके इलाज में कोई कोताही ना बरते, क्योंकि हम बड़े हॉस्पिटल की बात करें काफी कॉस्टली होते हैं। इसी के चलते नगर निगम गुरुग्राम द्वारा इस लैब का निर्माण किया गया था जिसका मुख्यमंत्री ने कल विधिवत रूप से उद्घाटन किया। लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा इलाज मिले, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा गुरुग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जी बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से मैं मुखातिब कराने के लिए। बड़ी खबर जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है, सीएम मनोहर लाल के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है और सेक्टर 28 में कैमरा म्यूजियम का सीएम मनोहर लाल ने दौरा किया। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में निर्माण कार्य का भी सीएम मनोहर लाल ने निरीक्षण किया है।